हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी विक्रम कुमार फ्रॉम शाहिन हायर सेकेंडरी स्कूल कासिमाबाद हैदराबाद। तो जी बच्चों, आइए हम अपनी क्लास कंटिन्यू रखते हैं, स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। तो आज की क्लास में जो हम समझेंगे वो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7 समझेंगे। एडिशन परफॉर्म करनी है, ये दो फैक्टर्स हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कैसे करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं हम। तो फुली कंसंट्रेशन से आप रहें, फुली कंसंट्रेशन से समझिए ताकि चीज समझ में जरूर आ जाए। समझनी है तो कंसंट्रेशन से रहें, ठीक है बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं। इसीगा से 9 जो मल्टीप्लाई है एज ए कोफिशिएंट, उसको मैं क्या कर रहा हूं, बाहर लिखूंगा x मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट स्क्वायर 3x * dx। सही है, समझ में आई ये चीज, ठीक है बच्चों। अब कैसे करें, अब सॉल्व करना है तो सॉल्व कैसे करो, ठीक है। तो दो फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई सॉल्व करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए ये आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसके हिसाब से सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। तो यहां पर u एंड v दो फैक्टर्स हैं, इसको असाइन करना है। तो कैसे असाइन करेंगे, लेट सपोज मैं u ले रहा हूं x को एंड v जो टेंजेंट स्क्वायर 3x को भी ले रहा हूं, क्योंकि टेंजेंट स्क्वायर 3x फंक्शन जो है इंटीग्रेट होगा, क्योंकि ये इंटीग्रेशन होगा। क्लियर, यहां तक ये चीज समझ में आई। अब असाइन करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फॉर्मूला में, वो देखिए नाउ 9 कोफिशिएंट है x into tangent square 3x dx equal to formula को समझिए, u की जगह पे u की value आ जाएगी, that is x। integration perform करने v की, v हमारे पास है tangent square 3x and dx, sorry mistake तो कोई नहीं हो रही, हो रही है, हाँ mistake हो रही है, कौन सी 9 coefficient कहाँ चला गया, ये जहाँ 9 लिखना है, 9 जो है ये coefficient है, हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद माइनस साइन, इंटीग्रेशन ऑफ मिडिल ब्रैकेट का डेरिवेटिव करनी है, u मींस x की इंटीग्रेशन है टेंजेंट स्क्वायर 3x एंड dx ब्रैकेट ओवर एंड dx स्क्वायर ब्रैकेट v ओवर का। आइए इसे समझ में, सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट हुई है और कुछ भी नहीं है, ठीक है बच्चों, गौर से रहें समझें। अब देखिए क्या करेंगे, अब z का जो 9 कोफिशिएंट है ये सेम लिखा हुआ है, x v सेम, इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म की इंटीग्रेशन नहीं है, हुई ना गड़बड़, टेंजेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं है, तो क्या करेंगे, कोई इशू नहीं है। तो ये देखें मैं यहां पर लिखाऊंगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x, ये फार्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। तो इस फार्मूला की मदद से टेंजेंट स्क्वायर x को हम रिप्लेस करेंगे sec स्क्वायर x - 1, 1 प्लस को साइड में माइनस हो गया, तो टेंजेंट स्क्वायर x को रिप्लेस करेंगे इसको, इस फॉर्म में अगेन sec स्क्वायर की इंटीग्रेशन है, sec स्क्वायर की इंटीग्रेशन है, ठीक है बेटा, समझ में आई। तो ये रिप्लेस करेंगे sec स्क्वायर यहां पर sec स्क्वायर एंगल j लिखी जाएगी 3x - 1 एंड dx, ठीक, क्योंकि टेंजेंट स्क्वायर वाला फैक्टर की इंटीग्रेशन नहीं हो रही थी, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी उसके हिसाब से रिप्लेस किया, आ रही बात समझ में, सही है। देन माइनस इंटीग्रेशन, यहां पर डेरिवेटिव किसकी हो रही है, x की x के हिसाब से 1, ठीक, टेंजेंट स्क्वायर x, ये सिमिलरली ये यहां पर sec स्क्वायर 3x - 1 रिप्लेस करेंगे dx मिडिल ब्रैकेट ओवर dx एंड स्क्वायर ब्रैकेट भी ओवर, आई बस समझ यहां पर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप समझिए, 9 इज द कोएफिशिएंट, x दोनों फैक्टर्स की इंटीग्रेशन करनी है, माइनस हुए तो सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे, तो पहले sec स्क्वायर 3x dx के हिसाब से माइनस साइन x कोफिशिएंट दोनों के साथ रहेगा, ठीक है, 1 की इंटीग्रेशन
dx के साथ। ये स्टेप समझ में आया, दोनों को सेपरेटली इंटीग्रल फॉर्म में लिखा एंड इंटीग्रेशन के पहले कोफिशिएंट ये सारे हैं। ठीक, आगे मूव होते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1, कोफिशिएंट में लिखने की जरूरत नहीं है। तो इंटीग्रेशन दोनों की करनी है, मींस पहले इंटीग्रेट करेंगे sec²3x की dx के हिसाब से, माइनस इंटीग्रेट करेंगे 1 की dx के हिसाब से, मिडिल ब्रैकेट ओवर एंड dx स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? फुली कंसंट्रेशन से समझे, देखिए कैसे ब्रैकेट्स हैं, ताकि कोई भी चीज की मिस्टेक ना हो। आ रही बात समझ में? ठीक, सो देखिए 9 स्क्वायर ब्रैकेट x sec स्क्वायर की इंटीग्रेशन है tangent 3x। ठीक, अब एंगल में जो कोफिशिएंट पूछा है वो कहां जाएगा? वो डिवाइड में आएगा। ठीक, माइनस x माइनस साइन x, 1 की इंटीग्रेशन x के हिसाब से होगी, x ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ओके बच्चों, समझ में आ रही चीज? सही है। अब देखिए माइनस ये इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर की इंटीग्रेशन, दोबारा sec स्क्वायर की इंटीग्रेशन में मिडिल ब्रैकेट वो ही दे रहा हूं, sec स्क्वायर क्या होगी इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर की इंटीग्रेशन है tangent 3x, एंगल का कोफिशिएंट डिवाइड में, 1 की इंटीग्रेशन x के हिसाब से x एंड ये dx आ चुकी है, स्क्वायर ब्रैकेट b ओवर। अब मिडिल ब्रैकेट दें या स्मॉल ब्रैकेट दें आपकी मर्जी है। ओके बच्चों, क्लियर यहां तक? आरी पास समझ लो, फुली कंसंट्रेशन से देखिए ब्रैकेट्स का ख्याल रखना है, कोफिशिएंट है, साइन है, कैसे सॉल्व होगा, हर चीज ध्यान रखनी हम लोगों को। सो अब नेक्स्ट स्टेप में समझना है 9 x tangent 3x डिवाइडेड बाय 3 माइनस 9 x मल्टीप्लाई x के साथ, ये हो जाएगा x स्क्वायर एंड 9 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सही है, एंड देन माइनस 9 इंटीग्रेशन, दोनों फैक्टर्स की सेपरेटली करेंगे, तो पहले ये है tangent 3x डिवाइडेड बाय 3। ठीक, अब 9 इसका कोफिशिएंट है तो मैं यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट ले, तो 9 या फिर इंटीग्रेशन दोनों की होने वाली है तो 9 पहले बाहर ही देखते हैं, उसके बाद अब माइनस इंटीग्रेशन करने किसकी, x की dx के हिसाब से स्क्वायर ब्रैकेट। आइए चीज समझ में, माइनस 9 बाहर रहा, बाकी दोनों की इंटीग्रेशन सेपरेटली बन गई। ओके बेटा, समझ में आ रही चीज? क्लियर है? ठीक, अब आगे इसे कैसे सॉल्व करेंगे समझेंगे। सो अब देखें, इज इक्वल टू ये 3 डिवाइड में थीटा का 9 को लग सकता है थीटा है, मींस 3x मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट 3x। ठीक, माइनस 9x स्क्वायर 7, सही है, माइनस 9 भी सेम लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट अपॉन 3 x कोफिशिएंट है बाहर ले आए तो मींस ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 टेंजेंट 3x dx माइनस, यहां पर मिस्टेक की, ये dx लिखा भी नहीं है, विल मिस्टेक, उसके बाद माइनस x की इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x के हिसाब से, तो x में पावर कुछ भी नहीं है, मींस 1 है, तो इंटीग्रेशन मींस पावर में 1 प्लस करेंगे, सेम एज इट कोई पावर डिवाइड में आ जाएगा, इस बार ब्रैकेट हो आई जी समझ में, मैंने इस इसकी इंटीग्रेशन को फॉर्म कर दी, ये रह चुका है कोफिशिएंट बाहर लिखा। ओके बेटा, क्लियर है? ठीक, सो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूं मैं, इस बार ब्रैकेट है क्योंकि कोफिशिएंट पहले मौजूद है, इसीलिए 3x tan 3x minus 9x square minus 9 into 1 upon 3 tangent की integration, किसकी integration? tangent की। अब tangent की integration जो होगी वो क्या होगी, वो है logarithm of sec 3x। अब angle का जो coefficient है वो coefficient divide में आ जाएगा, चलो ये आ गया divide में, minus sign ये भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है, माइनस टू माइनस प्लस 9 भी आ चुका है, x पावर 1 प्लस 1 इज 2 डिवाइडेड बाय 2, अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से
ये चीज समझ में आई, सही है बेटा। माइनस साइन को भी हम दोनों से मल्टीप्लाई करो, ठीक। साइन का क्या लगना है, 3x टेंजेंट 3x, 9x स्क्वायर माइनस 3 का डबल 9 को 3 टाइम लग सकता है, ये 3 अगेन मौजूद है, डिवाइड हो गया कैंसिल, बाकी सिंपली लाके कम आओ, सेट 3x प्लस ये 9 डिवाइडेड बाय 2 x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, तो ये है फाइनली इंटीग्रेशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। अब ये दोनों टर्म्स एक जैसे हैं, मैं दोनों को कंबाइन करके एलसीएम लेकर सॉल्व भी कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व करेंगे। सो देखिए इसको आंसर को यहां पर ये दोनों टर्म्स हैं, दोनों बॉक्स में एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व जरूर करेंगे। 3x टेंजेंट 3x ठीक प्लस 9 अपॉन 2 प्लस में तो पहले लिखा हूं एंड ये 9x स्क्वायर ठीक माइनस लागे कम ऑफ ये से 3x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, आई थी समझ में, सेम वेरिएबल में टर्म पे कंबाइन किया, सो इक्वल्स टू ये 3x मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट 3x। अब दोनों में वेरिएबल सेम x स्क्वायर इसलिए कंबाइन किया है, फ्रैक्शन में जो है आपस में प्लस करेंगे, प्लस करने के लिए डिनोमिनेटर्स 2 या पर डिनोमिनेटर 1 तो एलसीएम होगी 2, ये 9x स्क्वायर अपान जो नंबर है एलसीएम में सेमेंस है माइनस ये 9x स्क्वायर अपान में कुछ भी नहीं है तो एलसीएम वाला नंबर से वैसे तो मल्टीप्लाई पे लिखेंगे, सही है, एंड देन माइनस लॉग सम ऑफ sec 3x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, आई थी समझ में क्या हुआ, जस्ट एलसीएम लिए ठीक। अब सिंपलीफिकेशन 3x into tangent 3x है 9x स्क्वायर भी है, 9x स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 है सो 9 2 जा 80 x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 है, बाकी ये ईच एंड एवरी टर्म रिमेंस है, ओके बेटा। सो 3x टेंजेंट 3x है, 9x स्क्वायर में 18x स्क्वायर माइनस हो रहा है, साइन चेंज है, 9 ही रहेगा मगर 9 माइनस का रहेगा x स्क्वायर, क्योंकि बड़े नंबर की साइन लिखी जाएगी माइनस तो होगा, माइनस कर दिया, नेगेटिव नंबर जो वो बड़ा है साइन हमेशा बड़े नंबर की लिखेंगे, ये चीज समझ आ रही है, साथ में पता होना चाहिए, बाकी ये माइनस लागे कम ऑफ sec 3x plus constant of integration c इक्वल्स टू ये 3x tangent 3x, अब sin माइनस एंड प्लस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 9 upon 2x स्क्वायर logarithm of sec 3x plus constant of integration c, तो ये है फाइनली आंसर, ओके बच्चों आई थी समझ में, जहां तक भी लॉक कर सकते हैं मगर लाइव फ्रॉम है तो एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेने के बाद ये सिर्फ 5 पढ़ चुके हैं, ठीक है सिंपलीफाई करना, ओके बच्चों क्लियर है इच्छा रहती है, तो हर प्रॉब्लम को फुली कंसंट्रेशन से समझें एंड देन प्रैक्टिस करें ताकि हर चीज़ आपको समझ में, ओके क्लियर है, तो फाइनली आप लोगों का फर्ज बनता है कि इस यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें शेयर करें ताकि हर जो वीडियो और उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर जो वीडियो अपलोड होगी उसको आपको नोटिफिकेशन मिले, आप प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम इजीली समझें सीखें टाइम पे कंप्लीट कर सकें, ओके बच्चों अल्लाह हाफिज़।